चार साल पहले भारत में 500 से भी कम रजिस्टर्ड फिनटेक स्टार्टअप थे, आज इनकी संख्या करीब करीब 2300 से पार कर चुकी है। तब हर वर्ष हम 8000 स्टार्टअप्स रिकॉग्नाइज करते थे, आज ये संख्या 15000 से ऊपर जा रही है। लक्ष्य तय करके ईमानदार प्रयासों से 100 साल की वैश्विक महामारी के बावजूद हमने इतना कुछ हासिल किया है। साथियों, संकल्प से सिद्धि की जो सोच आज नए भारत में बनी है, उसका बेहतरीन उदाहरण हमारा एक्सपोर्ट इकोसिस्टम भी है। शिलान्यास कार्यक्रम में हमने ग्लोबल एक्सपोर्टर को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भारत को मैन्युफैक्चरिंग का प्रपोर्ट एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाने के लिए साझा संकल्प लिया था। पिछले साल ऐतिहासिक ग्लोबल डिस्रप्शन के बावजूद सारे सप्लाई चेन तहस नहस हो गए, उसके बावजूद भारत ने $670 बिलियन यानी कि 50 लाख करोड़ रुपए का टोटल एक्सपोर्ट किया। आप भी जानते हैं ये आंकड़ा कितना अभूतपूर्व है। पिछले साल देश ने तय किया था कि हर चुनौती के बावजूद $400 बिलियन यानी $30 लाख रुपए के मर्केंडाइज एक्सपोर्ट का पड़ाव पार करना है, लेकिन हमने इसको भी पार करते हुए $418 बिलियन यानी $31 लाख रुपए के एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड बना दिया। साथियों, बीते सालों की इसी सफलता से उत्साहित होकर हमने अब एक्सपोर्ट के लक्ष्य भी बढ़ा दिए हैं, उनकी प्राप्ति के लिए अपने प्रयास भी दोगुने किए हैं।